baby, you're a fool. Beautiful baby. Baby, your baat is beautiful. Your aankh is beautiful. Your chawl beautiful. I love you. I like you. Baby, one sec, huh? दो भिखारिया है, I will call back. What? Hey, बिल्ले, अभी हम जिंदा हैं। एक डॉक्टर को जानते हैं, जो चीज अंदर तकलीफ दे रही चल निकलवा देते हैं। चल। अबे ये धर से नहीं, ये शर्म के मारे टेढ़-मेढ़ हो रही है। That's your, मुझे प्यार हो गया है। नहीं। Yes, I am in love. क्या बात है बदनाम भाई, आज भी इंसान इस दुनिया में जिंदा है। किसी भोली लड़की को इस बिल्ले पे भी तरस आ गया। इसके कटोरे में प्यार की ऐसे भीख डाल दी, दो प्यार के टुकड़े फेंक दे, ले तू ऐसे कर। ए, तेरे खुशी में ये भीख मंगे भिखारी की फील क्यों आ रही है? नहीं, वो तुझ पे सूट करता है, लेकिन आ क्यों रही है बे? देखो 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 बिल्लू भाई, हमारा मतलब वो नहीं है। फिर? जैसे ना कि प्यार हमें भी होता है, हर रोज होता है, हर जगह होता है, लेकिन मेरे मासूम भाई क्यों नहीं समझते, सामने वाली लड़की को भी हमसे प्यार होना चाहिए। अरे हो गया है, उसको भी प्यार हो गया भिखारी। हम नहीं मानते, क्या बात कर रहा है बिल्ले? अरे मैं कसम खा के कह रहा हूँ, उसको भी प्यार हुआ है। अभी तो फिलहाल प्रीपेड चल रहा है, कुछ दिनों के बाद पोस्टपेड हो जाएगा, फिर हमारी शादी हो जाएगी, फिर साल भर में हमारे छोटे छोटे बिल आएंगे, तुम उनको दूध पिलाना। सपोले होंगे कि दूध पिलाएंगे। हेलो। हेलो बेबी। सॉरी, व्हाट आई डू? बिल्लू जी, ये वो कस्टमर केयर का नंबर है जहाँ से ब्रिजेश को वो धमकी वाला कॉल आया था। कॉल ट्रैकिंग पे लगाया पर ट्रैक हो नहीं पा रहा है। आप लोग तो बैठे ही वेले हो, अपना अपना फोन निकालो, ये नंबर पर कॉल लगाओ और जैसे किसी से फोन पर बात हो फौरन मुझे इन्फॉर्म करो। ओके, ये क्या है नंबर रे? क्या आप प्यार में जीना या मरना चाहते हैं? यदि हाँ तो कृपया एक दबाएं। इंग्लिश में मरने के लिए दो दबाएं। अन्य किसी भाषा में मरना हो तो आठ दबाएं। मरने के हथियार और तरीके चुनने के लिए नौ दबाएं। हमारे एग्जीक्यूटिव से बात करने के लिए नौ बार नौ दबाएं। क्षमा करें, हमारे सभी एग्जीक्यूटिव अभी दूसरी कॉल पर और लोगों को मौत बांटने में व्यस्त हैं। इसलिए अपने मरने की बारी आने की प्रतीक्षा करें। धन्यवाद। संतोष जी फोन लग गया, आपने हमें क्यों नहीं बताया? एक सेकंड, चीता है। अच्छा, हाँ। चीते के साथ लगे हैं हम। हाँ, आप लोग ट्राई करते रहिए, जैसे कुछ होगा बता देना, ठीक है? घर जा रही है? हाँ। अरे हम बिना वर्दी के ड्यूटी कर रहे हैं और ये वर्दी पहन के घर जा रहे हैं। सामने ठल्ले हो गए। ए, लगा क्या रे? हाथ चलाओ जल्दी। ओए! अरे पुष्पा जी, इतना सारा मसाला कूटवा रही आप हमसे, इससे ज्यादा आप हमें कूट लेती। एक बात बताओ पुष्पा जी, आज आप बिरयानी बनाने वाले हो क्या? नहीं, हम ये अमर सर के हाथ के दर्द का इलाज तैयार कर रहे हैं। इन मसालों का लेप बनाकर अमर सर के हाथ पर लगाएंगे ना, तो फिर देखना कैसी चुटकियों में उनका दर्द गायब हो जाएगा। फिर देखते हैं अमर सर अपने मैडम सर को सैल्यूट कैसे नहीं करते। मैडम, मैडम कुछ पता चला? मतलब मामला कुछ सुलझा या धमकी की तलवार अभी भी मेरे सर पे लटक रही है? एक्सक्यूज, इधर देखो, इधर ये देखो, मेरी आंखें लाल हो गई है। तो रात में इतनी पीते क्यों हो? पीने से नहीं, जागरण की वजह से हुआ है। वो तुम्हारा वो धमकी वाला, उसको पता करने के चक्कर में मोबाइल में एक दबाओ दो दबाओ नौ नौ बार दबाओ, एग्जीक्यूटिव वो आए नहीं। मतलब धमकी देने वाले लोगों का कुछ तो पता चला होगा आपको? कुछ पता नहीं चला है, बस ये उंगली का सेंसेशन चला गया है। जैन सर, जैन मैडम सर, जैन सर, ये देखिए, हमने अपने हाथों से आपके हाथ के दर्द के लिए लेप बनाया है। बहुत ही पुराना बड़े बुजुर्गों का नुस्खा है ये। जैसे आप ये लेप लगाएंगे ना, आपके हाथ का दर्द यूं गायब हो जाएगा। फिर आपको लगेगा अरे अपने इस हाथ में कभी दर्द था भी या नहीं। क्या है, फिर आप इत्मीनान से मैडम सर को सैल्यूट कर पाएंगे ना। नहीं मतलब
हमारे कहने का मतलब ये है कि आपके सर के ऊपर जो टंगी हुई तलवार है सैल्यूट की, वो भी चली जाएगी और हमारे आत्मा को भी सुकून मिल जाएगा। वो हम ऐसे आ रहे थे। जिन बड़े बुजुर्गों के ये नुस्खे हैं ना, उन्हीं बड़े बुजुर्गों ने एक बहुत ही फेमस कहावत कही है पुष्पा जी, नीम हकीम खतरा है जान। सो थैंक यू, डॉक्टर ट्रीट कर रहे हैं, ठीक हो जाएगा और सैल्यूट भी हो जाएगा। अरे आप लोग का हो गया तो मैं भी अपने केस के बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू कर लूं। जी हाँ। मैडम वो धमकी देने वाले ने कहा है कि बुधवार को 12 बजे तक ना वो मुझे जान से मार देगा और दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती है। मैडम पता चले आप इन्हें लेप लगा रहे हो और वो मुझे मार के चला जाए। एक मिनट आप इतना बिजबिजा कह रहे हैं। हमने कहा है ना आपको कि हम सब आपके साथ हैं, आपको कुछ नहीं होने देंगे। कोई ऐसा दुश्मन आपका रहा होगा जो आपकी जान तक लेना चाहेगा, ऐसा कुछ नाम आ रहे हैं आपके जहन में? थोड़ा दिमाग में जोड़ डालिए। मैं भी ये किसी बड़ी गैंग का काम है, कोई ऐसी गैंग जो बहुत सोच समझ कर पूरी प्लानिंग के साथ अपने शिकार को फंसाती, और मुझे नहीं लगता कि ऐसी गैंग को पकड़ना इतना ईजी होगा हमारे लिए, क्योंकि जितनी शातिर ये लोग हैं इनको पकड़ने के लिए उतना ही शातिर जाल भी होना चाहिए। क्या बात है मिस्टर अमर विद्रोही, आपकी थ्योरी तो हर रोज चेंज होती है। कल आप ही कह रहे थे ना कि ये तो छोटा मोटा केस है, 10 मिनट में निपटा देंगे, और आज कह रहे हैं कि ये किसी बड़ी गैंग का मामला हो सकता है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो सकता है। शार्प और इंटेलिजेंट पुलिस ऑफिसर्स ऐसे केस इन्वेस्टिगेट करते हैं। करिश्मा सिंह आप अपने तरीके से इस केस को हैंडल कीजिए। देखिए हसीना जी, देखिए मिस्टर अमर विद्रोही, फिलहाल आप किसी भी केस को हैंडल करने के लिए अनफिट हैं, तो यहाँ का इंचार्ज होने के नाते हम ये ऐलान करते हैं कि आप इस केस पर काम नहीं करेंगे। हाँ अगर आपको बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन है तो हम डीएसपी सर को इस बात से रिलेटेड एक ऑफिशियल मेल भी भेज सकते हैं। गुड, करिश्मा सिंह अपने तरीके से हैंडल कीजिए। जी जी बताइए वो नाम जिन पे आपको थोड़ा संदेह है। हम बताते हैं, हम ऐसे 3 लोगों को जानते हैं, आप उनका नाम पता सब लिखिए मैडम। सुन के तो देखिए। पुष्पा जी। जी मैडम सर। संतोष शर्मा से कहिए कि सबको राउंड अप करके आज ही लेकर आए। जी। बिल्लू बिल्लू। हाँ हाँ। तुम भी जाओ संतोष शर्मा के साथ। हाँ हाँ जाऊंगा जाऊंगा। देखिए भैया ऐसा है कि सारा शहर जानता है कि आजकल हम थोड़ा गुड मूड में चल रहे हैं, थोड़ा तुड़ाई उड़ाई कम कर रहे हैं, मार कम लगा रहे हैं, जितना हो सके उतना उतना पेशेंस से काम ले रहे हैं, और हाँ हमने अपने भौकाल से जो है ना वो थोड़ा सा स्पेस लिया है, समझ रहे हमारी बात को? तो अब जो सवाल करेंगे उसका जवाब देना और यहाँ से निकल जाना। आप ही है ना वो लोग जो कस्टमर केयर में बैठ के एक दबाओ दो दबाओ तीन दबाओ करते हैं? बताओ वरना वो मार लगाएंगे कि तय नहीं कर पाओगे हो या निकल लिए। हमने कुछ नहीं किया मैडम, हम पर विश्वास कीजिए, हम इन सब के बारे में कुछ नहीं जानते। वेबसाइट वेबसाइट इसे हमारा कुछ लेना देना नहीं। झूठ बोल रहे मैडम ये सब, इन्हीं में से कोई है जो मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है। लगाइए दो दो डंडे, मारिए मार के फाड़ दीजिए इन सबको मैडम। तो क्यों ना दो चार डंडा हम तुमको लगा दें, हो सकता है सच का भूत तुम्हारे अंदर से फड़फड़ा कर बाहर आ जाए, क्या बोलते हो? करिश्मा सिंह रुक जाइए प्लीज। ये क्या मैडम, अगर मुझे सच पता होता तो बहुत पहले आपको बता चुका होता, और अगर सच पता होता तो आप लोगों से मदद ही क्यों मांगता मैं? ये मनोहर कब से मेरा पैसा खा के बैठा हुआ है और देने का नाम नहीं ले रहा है, और ये मिस्टर मल्होत्रा एक नंबर का जलनखोर है मैडम, मेरी गाड़ी देख के जलता है। मैडम अगर हमारी केस की वजह से इन सबको दो चार डंडे पड़ भी जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, ये लोग डिजर्व करते हैं मैडम, मारिए इन लोगों को फोड़ दीजिए मैडम। करिश्मा सिंह रुक जाइए प्लीज, शांत हो जाइए, ठंडे दिमाग से सोचते हैं आगे करना क्या है। ओके जी जी मैडम सर। मार क्यों नहीं रहे आप? हमने अपने हाथों से बनाए हैं लेप, दर्द हो रहा है इसलिए तो कह रहे लगाइए, आपको आराम मिल जाएगा, फिर आप सैल्यूट कर पाएंगे ना मैडम सर को। मैडम अरे तुम फिर आ गए। मैडम मैं तो आ गया, बुधवार भी आ रहा है, वो तो हर हफ्ते आता है। मैडम उन लोगों ने कहा था ना कि बुधवार को मेरा काम तमाम कर देंगे, वो वाला बुधवार आ रहा है। मैडम कुछ पता चला क्या किसका हाथ है इसके पीछे, कौन है? हमा कहा ना कुछ नहीं होगा तुमको, पूरा थाना इस केस के पीछे लगा हुआ है, बुधवार से पहले वो गिरफ्तार हो जाएगा। तो ठीक है आप सब भी मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैंने फैसला लिया है कि ये केस मैं वापस ले रहा हूँ। मगर क्यों अपना केस वापस ले रहे हैं? ऐसे कैसे आप केस वापस ले लेंगे? हाँ
क्या किराना स्टोर है क्या कि जब मन किया कुछ ऑर्डर कर दिया, जब मन किया वापस ले लिया? मजाक समझ के रखा है हमारे थाने को, FIR लिखवाया है, गंभीरता समझिए उसकी, बिल्कुल नहीं वापस होगा आपका केस। अरे मैडम एक सेकंड शांत होकर मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं केस क्यों वापस ले रहा हूँ पुलिस की वजह जान लीजिए, उसके बाद जितना नाराज होना हो लीजिएगा आप। उन अहबालों का मुझे दोबारा फोन आया था। अरे तो तुम उनके फोन उठाते ही क्यों? अरे अलग अलग नंबर से फोन करते हैं ना, उनका कहना है कि वो मुझे आखिरी ऑफर दे रहे हैं, वो कह रहे थे कि अगर अपनी सुपारी कैंसिल कराना चाहते हो, जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें कैंसिलेशन फी भरनी पड़ेगी। और वो कितनी होगी? पूरे 25,000 रुपए। लूट मची है क्या? पुलिस नाम की भी कोई चीज है इस शहर में जो इस तरह के क्रिमिनल्स की अकल ठिकाने लगाने के लिए ही बैठी है यहाँ पे? और हमारे रहते हम ये खुलेआम ब्लैकमेलिंग नहीं होने देंगे, और कोई जरूरत नहीं उन्हें 25,000 रुपए देने की। पुलिस पर भरोसा रखो, हम हैं तुम्हारे साथ। अरे सर 25,000 नहीं, पूरे 1,00,000 रुपए। 50,000 सुपारी देते समय, 25,000 रजिस्ट्रेशन के समय, और 25,000 कैंसिलेशन के समय, 1,00,000। हमारा एक्सपीरियंस कहता है कि ये ब्लैकमेलिंग भी ना फटे हुए जूते की तरह होती है, टाइम के हिसाब से फैलती रहती है। आज उनकी डिमांड पूरी करोगे ना तो कल को और डिमांड करके तुमसे पैसे हटने की कोशिश करेंगे वो लोग। अरे मैं मर जाऊंगा तो कहां से डिमांड करेंगे? अरे टेंशन मत लो, पुलिस है तुम्हारे साथ, तुम्हारा पैसा तुम्हारी जान की हिफाजत करना हमारी ड्यूटी है। अरे विद्या, एक मिनट मैडम, विद्या मेरी गर्लफ्रेंड, बताइए। हेलो विद्या, हम S.H.O हसीना मलिक बोल रहे हैं। नमस्ते मैम, मैं विद्या। मैम जब इस झमेले से आसानी से जान छूट रही है तो प्लीज ब्रिजेश को कॉपरेट कीजिए ना मैम, प्लीज उसे ऐप वालों को पैसे देकर अपनी जान बचाने दीजिए ना प्लीज। वैसे भी अपनी सुपारी देकर बेवकूफी भी तो उन्होंने की ना। देखो विद्या, हम तुम्हारा कंसर्न बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन बात यहाँ पर सिर्फ एक अकेले ब्रिजेश की नहीं, ब्रिजेश की तरह न जाने कितने लोग फंसे हुए हैं, डरे हुए हैं, जिन्हें धमकी मिलती है, जिन्हें मौत का खौफ है। हम इतनी आसानी से इस केस को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि सवाल यहाँ बहुत से लोगों का है। ब्रिजेश तो बच जाएगा लेकिन बाकी सबका क्या? देखो तुम बिल्कुल भी घबराओ मत, जो सही होगा हम वही करेंगे, ब्रिजेश को कुछ नहीं होगा, और ये केस तभी खत्म होगा जब ये रैकेट खत्म होगा। सल्यूट करने की आपकी कोशिश बहुत अच्छी थी, बिना कहे निकला है, मतलब दिल से निकला है। और इनफैक्ट हमें ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि हफर्स को लेकर, खाकी को लेकर हम दोनों का पैशन, हम दोनों का जज्बा कॉमन है, इसलिए अब आपको सल्यूट करने की कोई जरूरत नहीं है। इस शर्त से आप फाइनली फ्री हो चुके हैं। करिश्मा सिंह जी, चलिए अब इस केस को अंजाम देते हैं। जी मैडम सर। जी सर, हम और करिश्मा सिंह कल गए थे केस की तफ्तीश के लिए, कुछ बहुत ठोस सबूत अभी तक मिला नहीं है, जैसे ही कुछ हाथ आएगा हम आपको तुरंत बताएंगे। जी सर, ओके, जय। करिश्मा सिंह। जय मैडम। जय हिंद। आप हनीमून पर जा रही हैं? इतनी जल्दी अपने प्लानिंग भी कर ली, लीव एप्लीकेशन भी दे दी, कमाल है। लीव एप्लीकेशन, हनीमून, क्या बात करें मैडम सर, थोड़ी ना हम अकेले हनीमून पे जाएंगे ना, मतलब पुष्पा जी के लल्ला वो तो टूर पे गए हैं ना 6 महीने के लिए, तो अब बताओ अकेले हनीमून कौन करता है, और हम कब, हमको समझ में नहीं आ रहा आप कहाँ बोल रही है, कहाँ आइए। फिर ये क्या है, ये लीव एप्लीकेशन आप ही ने दिया है ना, इसमें लिखा है कि आप अपने पति के साथ बाहर जा रही हैं, इसलिए आपको छुट्टी चाहिए। नहीं 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 मैडम सर, नहीं नहीं, हमने ये लीव एप्लीकेशन नहीं दिया है, हमको नहीं पता कौन है ये मैं कौन मैं खामखा, मतलब हम कैसे जा सकते हैं अभी छुट्टी लेकर, हमारे दिमाग में अभी सिर्फ और सिर्फ वो केस चल रहा है, उसका पूरा चक्री चल रहा है हमारे दिमाग में। जब तक हम ये केस सॉल्व नहीं कर लेंगे, जब तक हम ब्रिजेश पटंगी ये धमकी का तलवार नहीं हटा देंगे, तब तक हम कहीं नहीं जा सकते मैडम सर। हम सबसे पहले केस सुलटाएंगे मैडम सर, उसके बाद इस इंसान को पकड़ेंगे जो इतना फर्जी है और जिनको बहुत दिलचस्पी है हमें हनीमून पर भेजने की।
अपने रोमांटिक डेट के बारे में फुल 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 डिटेल में हमें बताओ। वो पिक्चर देखने अकेले नहीं आई, अप्पा मम्मा मामा फूफा टोटल 34 लोग, मुझे लेकर 35 कोल्ड ड्रिंक 35 पॉपकॉर्न, ये सब खर्चा चुकाने के लिए निपटाने के लिए मैंने शेरू भाई से कर्जा लिया ब्याज पे। अगर वो कर्जा टाइम पे नहीं चुकाया तो वो मुझे इस दुनिया से खर्च कर देंगे। हे बाप रे। और लड़की? लड़की तो रिश्तेदारों के भीड़ में कहीं दिखी नहीं, मैं ढूंढता रहा एक तो सपाट भी नहीं दिखा। तब से अब तक मैं उसको फोन ट्राई कर रहा हूँ लेकिन फोन उसका स्विच ऑफ ब्लॉक कर दिया। अरे बिल्लू, और करो ऑनलाइन चैटिंग। बिल्लू जी, आपको पता है कितने फ्रॉड है इस तरह के ऑनलाइन एप्स में, और आप जैसे लोग बेवकूफ बन जाते हैं धोखेबाज लोगों के जाल में। आपने खुद ने, बिल्लू जी आप भूल गए शायद, आपने खुद ने ऑनलाइन मोबाइल ऑर्डर किया था, आपको क्या मिला? आपको साबुन नहीं मिली, वो भी कपड़े धोने वाली? ये ऑनलाइन मोबाइल मंगवाया था, ये बॉक्स में से क्या आया? जहाँ इस लेवल की चीटिंग चल रही है वहां पर आप सच्चा प्यार ढूंढ रहे हैं? नहीं, जब तक आप जैसे बेवकूफ लोग हैं ना, तब तक ये धोखेबाज लोगों का काम धड़ल्ले से आगे बढ़ेगा। दुआ करो बिल्लू जी कि जो ये ऐप का रिप्रेजेंटेटिव है ना, उससे हमारी बात हो और पता चल जाए कि ये ब्रिजेश है कहाँ। गायब है वो? मैडम सर, ब्रिजेश को किसी ने नहीं देखा। हाँ, हमने भी नहीं देखा, यहाँ आता तो देखते ना। वाता पता लापता हो गया है मैडम सर, उसका फोन स्विच ऑफ है, उसका मैसेज कोई कुछ काम नहीं कर रहा है, कोई खबर नहीं है उसका। मगर आज तो मंगलवार है, उसे तो बुधवार को मारने वाले थे ना। अरे पुष्पा जी, कौन सी दुनिया में आप, आज बुधवार ही है। हैं? हाँ। अरे आज मंगलवार समझकर खामखाम ने व्रत रख लिया, खाना पड़ेगा कुछ। देखिए, हमें ऐसा नहीं लगता, मतलब वो आदमी अपनी बात पर टिका ही कब था। पहले वो थाने में आता है और कहता है कि उसने खुद अपने नाम की सुपारी दी हुई है, पर अब उसे मरने का मूड ही नहीं है क्योंकि उसकी वीरान लाइफ में कोई लड़की आ चुकी है जो उससे शादी करना चाहती है। तो अब उसे उस ऐप वाले लोगों से बचाया जाए जहां उसने खुद खुद को मारने के पैसे दिए थे। फिर वो कहीं से अचानक फिर से आ जाता है कि जो FIR की है उसे वो वापस लेना चाहता है क्योंकि उन्हीं ऐप वालों ने उसे एक सुनहरा शानदार ऑफर दिया है कि पैसे देकर वो अपनी सुपारी कैंसिल कर सकता है। फिर बिना बताए वो आदमी अचानक गायब हो जाता है। नहीं, मतलब जो आदमी अपनी बात का पक्का नहीं है, एक कंफ्यूज्ड झक्की ऐसे निठल्ले आदमी के लिए हम इतना इतना इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? मिस्टर अमर विद्रोही, जिस इंसान की जान पर बनाई हो वो अपनी जान बचाने की कोशिश करेगा या फिर उस वक्त मॉरल्स और एथिक्स के बारे में सोचेगा? और अकेलापन किस घुटन का नाम है आप क्या जानो अमर बाबू? सर, अमर सर, किसी अकेले आदमी से पूछिए क्या होता है अकेलापन का दुख। अरे शादीशुदा होकर भी हमारा गरीब बेचारा मासूम भोला लल्ला ना दो पल सुकून के नहीं बिता पाया अपनी पत्नी के साथ। अब क्या बताएं, हमारे गरीब बेचारे भोले मासूम लल्ला के तो भाग ही फूट गए। अच्छा, तो जो आपके लल्ला है वो कौन सा घर पे टिके हैं, कौन सा रोमांस कर दिया उन्होंने हमारे साथ? हाँ, देखिए हम कुछ नहीं जानते, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा लल्ला भी इस ब्रिजेश की तरह किसी ऐसे वाहियत ऐप के चुंगल में ना फंस जाए। तो क्या करें, क्या करें हम, नौकरी छोड़ दे? नौकरी छोड़ने के लिए कौन बोल रहा है, छुट्टी लेकर भी तो बैठ सकती ना आप लल्ला के साथ घर पर। हमें छुट्टी से याद आया, कहा है हमारी छुट्टी की अर्जी थी मैडम सर को। अरे हम कहा देंगे, अगर अर्जी देनी होती ना तो हमारी देते, आपकी क्यों देते? और वैसे भी क्या फायदा आपकी छुट्टी की अर्जी देके, हाँ कुछ फायदा तो होने वाला नहीं है। बस कभी तो जगह देखकर मौका देखकर शुरू कीजिए, जब देखिए आपकी तू तू मैं शुरू हो जाती है। अब सब लोग एकदम शांत दिमाग से फुल कंसंट्रेशन के साथ सोचेंगे कि ब्रिजेश के साथ क्या हुआ होगा। ओके, शक्कर डालिए ना। मार 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 तू मार, एक ही दिन में पेड़ को लंबा कर। बाढ़ में गया है, बाढ़ में गई वो बेवफा औरत, ये मैं अपनी जिंदगी से डिलीट करता हूँ। गेट आउट, डिलीट। ये क्या मैसेज है? आप प्यार में जीने मरने के लिए तैयार हो? हाँ, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। ना 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 ना, ये आप कब आए? वो छोड़ो, हैं? ये गलती भूल से भी मत करना। याद है ना, ब्रिजेश को ऐसा ही एक मैसेज आया था और उसके बाद क्या हुआ था ये तुम जानते हो। एक मोबाइल से ना मेरे मोबाइल पे मैसेज आया, उसमें लिखा हुआ था ना कि क्या आप प्यार में जीना और मरना चाहते हैं,
तो मैडम मैंने भी तफरी करने के लिए हाँ कर दिया। उधर से तुरंत रिप्लाई आया, ऑर्डर कन्फर्म। फिर उन्होंने लिखा, जी तो आप पहले ही बहुत चुके हैं, अब आपको मर जाना चाहिए। तो आज ही डाउनलोड कीजिए टाका झाकी ऐप और किसी का प्यार भर लीजिए अपनी बाहों में। अब भी मुझे याद आया उसको मैंने कहाँ देखा है। क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं, वो ब्रिजेश थाने में आया तो मैंने उसको देखा, तब मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने उसको कहाँ देखा, लेकिन अभी मुझे याद आया मैंने उसको कहाँ देखा। इसी ऐप पर, इसी ऐप की ऐड कर रहा था वो ब्रिजेश, और बोल रहा था कि अपना अकेलापन दूर करने के लिए ये ऐप इंस्टॉल करो। देखो इंस्टॉल, ये कहाँ डिलीट हो गए। तो ये बात है, बिल्लू के मुताबिक ये वही ब्रिजेश है जो ऐप की एडवर्टाइजमेंट कर रहा था। यस सर। जिसके झांसे में आकर बिल्लू को ठग लिया गया। दीवान जी, एक काम कीजिए, पहले तो ये ऐप डाउनलोड कीजिए। अरे सर, आपको आइडिया भी नहीं है कि आप कितने हैंडसम हैं। आपको तो कोई भी लड़की मिल जाएगी सर, और अगर नहीं मिलेगी तो मैं ढूंढ लूंगा। आप कहाँ इस ऐप ऐप के चक्कर में पड़ रहे हैं सर, छोड़िए ना। दीवान जी, जितना बोला जाए उतना कीजिए ना। जैसे शिकारी दाना डालता है अपने शिकार को पकड़ने के लिए, वैसे ही मुझे भी इस ऐप के पीछे छुपे चेहरे को बेनकाब करने के लिए कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा।